शिवांश तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं दो गाड़ियों की विद पिलियन रेस, यानी इसको आप डबल लोडिंग रेस भी बोल सकते हो। तो एक तरफ आपकी RC 200 एंड एक तरफ की है आपकी यामाहा की R15 V3 BS4। वहीं आपकी है RC 200 BS6 2022 मॉडल। तो इन दोनों की आज जो हम रेस करेंगे वो विद पिलियन रेस होगी, क्योंकि ये हमने सीरीज स्टार्ट की, इसको आप लोग का प्यार भी अच्छा खासा आ रहा है, तो मतलब देखते हैं करके। बाकी इन दोनों की गाड़ियों की अगर हम इंजन की बात करें, पावर की बात करें, तो सबसे पहले हम आरसी को आपको बताते हैं कि आरसी का जो इंजन हो 200 सीसी का है एंड पावर जो देती है आपको 25.8 पीएस का पावर जनरेट करती है। अगर टॉर्क की बात करें तो 19.1 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करती है। वहीं अगर हम R15 V3 VS4 की बात करें तो 155 सीसी का इंजन है, पावर आपकी देती है 19.3 पीएस का पावर जनरेट करती है एंड टॉर्क की बात करें तो 14.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। बाकी देख रखे हो भाई ने मॉडिफाई करा रखी है थोड़ी बहुत, मतलब जैसे ये 10R के उसने मिरर लगवा रखे हैं एंड शॉकर को भी थोड़ा रैप करवा रखा है। तो इन दोनों के आज हम विद पिलियन रेस करेंगे। बाकी अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दिया कर, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए, शेयर जरूर करा करिए। बाकी चलो लेके चलते हैं आपको, दिखाते हैं कि देखते हैं कि मतलब BS4 क्या RC को बीट कर पाती है कि नहीं कर पाती है। साथ में हमारे राम भैया, बाकी विद पिलियन हमारे शिवांश एंड शुभम हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेस को। मैं चलाऊंगा R15 V3 एंड राम भैया हमारे जो चलाएंगे, अरे पिलियन कहाँ गया भाई, राम भैया जो हमारे चलाएंगे वो चलाएंगे RC। कौशिक क्या कहते हैं, शुभ शिवांश अबे पीछे हटो शुभम थोड़ा, बस चलो रेडी। ओ भाई VVS टेक्नोलॉजी एक्टिवेटेड। और यहाँ पे देखिए आपने आरसी ने R15 V3 को वैसे ही पीछे छोड़ दिया जैसे पिछली बार छोड़ा था, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया आपका इनिशियल में, पीछे जा चुकी है R15 V3 और जो ज़्यादा पावर थी वो बहुत ज़्यादा काम नहीं आई उसके। और यहाँ पे 6th गियर पे RC आ चुकी है और मैं भगाते जा रहा हूँ, और यहाँ पे स्लिप स्टीयरिंग एक्टिवेटेड, देखते हैं वो रही आपकी RC जा रही आगे 21, 127, 29, 30, 31, 33, 34, 34, बढ़ भैया बढ़। मैं भगाते जा रहा हूँ। शीशे भी मैं फोल्ड कर लूँगा, एक शीशा फोल्ड किया हुआ, एक शीशा मैंने देख फोल्ड नहीं किया हुआ ताकि मैं पीछे देख सकूं, बट उस पीछे देखने का कोई फायदा नहीं हो रहा है यार, बहुत पीछे है यार, मतलब R15 V3 इतना पीछे है कि दिख नहीं रही है शीशे में। यही है R15 मतलब विद पिलियन पे भाई बोल जा रही है। ये रही आपकी फर्स्ट रेस विद पिलियन पे भाई, डबल लोडिंग पे बोल जा रहा है इसका। हाँ कुछ दिखता नहीं, वाइजर पता नहीं कैसा लगवा रखा है। तो ये आपने देखी विद पिलियन रेस जो थी और फर्स्ट रेस देखिए। अब हम राइडर चेंज करेंगे, देखेंगे कि क्या निकल के आता है। आ जाओ तो सेकंड रेस को स्टार्ट कर रहे हैं अब हम। चले तो
देखिए आप आरसी फिर से आगे निकल चुकी है और डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, पांचवा गियर लगा चुका हूँ मैं। पांचवे गियर में एकदम मैं बता रहा हूँ पिलियन के साथ बैठने पे पांचवे गियर में पावर ऐसा लगता है। भाई ये रही आपकी रेस, आप देख रहे हो ना फिर पिलियन के R15 का ना बीवी ये काम करता है ना टीवी ये काम करता है। तो ये सीन है यहाँ पे आप देख रहे हो। जाती ही जा रही है, बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है। भाई लोगों रुक जाओ हमें भी साथ लेते चलो, वहाँ उस पर ट्रिपलिंग कर लेते हैं, हो सकता है तब साथ में ही आ जाए। भाई कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, कच्चा बादाम। ओ भाई साहब कॉपीराइट ना है कच्चा बादाम का इज इक्वल टू पक्का बादाम है। भाई डबल लोडिंग में तो बच्चा दे दिए हैं, कहाँ रह गए भाई। डबल लोडिंग में ना उसका बीबीए काम करता है ना टीबीए काम करता है, वो कहती बस 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 खत्म। पसीना सूख गया इतनी देर में, एलियन तुझे बैठे तो बता नहीं पा रहे थे इनको कि रुकना होता है। तो आपने देखा भाई विद विद पिलियन बोल सकते हो, डबल लोडिंग बोल सकते हो, R15 का VVA TVA कुछ नहीं काम करता है। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाया करिए, क्योंकि पहली वीडियो डालेंगे पहली नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। तो चलो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नीचे अपना इंस्टा हैंडल आ रहा है, जाओ फॉलो करो और इंस्टा की भी स्टोरी चेक किया करो यार, वहाँ पे अच्छे अच्छे अपडेट मिलते रहते हैं। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, राइट से राइट हार्ट।